Hello, friends. Very warm welcome to LK Academy and welcome to Current Affairs Lectures. Today, we will continue with our Current Affairs Lecture Number 23. As always, I hope that you have completed your previous lectures. And why I am again and again saying this? Because it is important in your process, right? When you are reading, it is important for us to go through each and every lecture for each and every subject. सो टूडे वी विल स्टार्ट आर लेक्चर विथ अ कोट फ्राम हैंनरी फॉर्ड आई होप यू ऑल नो हु इज़ हैंनरी फोड तो जो फॉर्ड उन मोटर्स है उनके मालिक हैनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर राइट सो उन्होंने ये कहा था वेदर यू थिंक यू कैन और वेदर यू थिंक यू कांट यू आर ऑलवेज राइट सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई एग्जाम पास कर सकूँगा या कर सकूँगी यू आर करेक्ट

तो स्टेट में जो ये खबर रखेगी या इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है उनका एक एसोसिएशन है ओके फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी एक एसोसिएशन बनाया गया है ऑन द नेशनल लेवल एंड दैट इज़ नोन एज एरियाज एजेंडा बिहाइंड एरियाज क्या था सो स्टेट नोडल एजेंसीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसिस एंड ऑल्सो शेयर देयर बेस्ट प्रेक्टिस एंड नॉलेज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज एंड स्कीम्स और प्रोग्राम्स सो अगर कोई एक स्टेट किसी रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है तो उसका जो बेनिफिट है वो बाकी के स्टेट को भी मिल सके तो उसके लिए एक कॉमन फोरम बनाया गया है और जिसको नाम दिया गया है एरियाज ओके एसोसिएशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट तो स्टेट में जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज है वो सब मिल के नेशनल लेवल पे चर्चा करेंगे कि हाँ भाई हमने हमारे यहाँ पे ये काम किया था दैट वाज बेनिफिशियल यहाँ से इतना इन्वेस्टमेंट पे हमें इतना रिटर्न मिला एंड ऑल दो थिंग्स ओके मेंबर्स कौन होंगे इसके सो द यूनियन मिनिस्टर्स फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द पेटर्न ऑफ द एसोसिएशन एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन तो पेटर्न के तौर पर कौन काम करेगा सारी रिपोर्ट किसको जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को जाएगी जो भी यूनियन मिनिस्टर एट ए टाइम होगा एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम प्रेसिडेंट कौन होगा प्रेसिडेंट विल भी जो उनके सेक्रेटरी होंगे जो जनरली आपके आई ए एस या आई आर एस ऑफिसर होंगे राइट ऑल एस एन एज आर मेम्बर्स ऑफ द एसोसिएशन और सारी जो स्टेट लेवल की जो नोडल एजेंसीज हैं फॉर दी पर्पज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करती है वो इनके क्या होंगे मेंबर्स होंगे फॉर्मेशन कब हुआ था तो इट गॉट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 सिक्सटी वन ट्वेंटी सेवेंथ ऑगस्ट ट्वेंटी नई गवर्नमेंट आने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म खोला गया उसका इनोग्रेट किया गया सो दैट्स वाई टू डिस्कस ऑल दिस इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्रेस

आने वाले बीस तीस सालों में मैक्सिमम राइट क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल हमें नहीं मिलेगा सो वी नीड टू फिगर आउट दी ऑप्शंस फॉर अस दैट आफ्टर ट्वेंटी थर्टी इयर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट आपको अगर पता हो तो क्रूड के ऑप्शन में आजकल जो बैटरी से चलने वाले जो गाड़ियाँ हैं उस उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और उसके रिसर्च में काफ़ी सारा पैसा गवर्नमेंट ने डाला हुआ है अलोकेट किया है स्पेशली फ्रॉम अवर बजट सो पहला तो हो गया सोलर एनर्जी जियो एनर्जी विंड पावर हाइड्रो पावर बायोमास मास बायोमास से चलती हुई गाड़ियाँ ऑलरेडी स्मॉल स्केल छोटी छोटे छोटे डिस्टेंस तक जाने के लिए गाड़ियाँ ऑलरेडी कुछ कुछ कैंपस में यूज हो रही है

इंडिया हैज़ प्लेज टू इनक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू फोर्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्स एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड विद कन्वेंशनल पावर स्टेशन इन दी ग्रिड तो आज कल हमें पता है कि काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स फॉर कॉमन पीपल ऑफ इंडिया स्टार्ट किए गए हैं ताकि वो रिन्यूएबल सोर्सेस से बिजली पैदा कर सके और सोलर रूफटॉप का जो काम है वो ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट वो काफ़ी अच्छे तरीके से मूव ऑन कर रहा है रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज़ कॉन्टेक्टेड सोलर बावल डेवलपर्स टू मीट द नेट ज़ीरो कार्बन एमीशन टारगेट बाई ट्वेंटी थर्टी तो देखिए इंडियन रेलवे अपना कार्बन एमिशन ज़ीरो कर देगा ये गोल है बाई ट्वेंटी थर्टी इंडियन रेलवे हेज ऑलरेडी स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस सेक्टर स्पेसिफिक इनिशियटिव दिज आर समिशियटिवल सम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्ट दैट इज फॉर सोलर एनर्जी इंटरनेशनल सोलर अलाइंस अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने उसको एड्रेस किया था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड जिसको हम ओसोवोग के नाम से जानते हैं दैन नेशनल सोलर मिशन अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान ताकि किसानों की जो इनकम है आय जो है वो 2022 तक दुगनी हो सके इसलिए जो उनकी खाली लैंड है या अनप्रोडक्टिव जो लैंड है उसके ऊपर उन लोगों को सोलर ग्रिड लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी दैट इज़ अवर कुसुम स्कीम अटल ज्योति योजना सूर्यमित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सोलर पार्क स्कीम एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम रेवा सोलर पावर प्लांट जिसकी अभी मैंने बात की जो मध्य प्रदेश में इनोग्रेट हुआ है देन कम टू विंड एनर्जी नेशनल विंड रिसोर्स असेसमेंट प्रोग्राम नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी ट्वेंटी एटीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी तमिलनाडु राइट देन वेस्ट टू एनर्जी एंड बायो एनर्जी तो इसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो अपने तरीके से काम कर रहे, है। तो उस, रहे हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट एंड दिस एंटायर टॉपिक यू कैन रिलेट टू योर एनवायरमेंटल सेक्शन ओके एनवायरमेंटल मॉड्यूल में आपको एज अ करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट इज ऑल्सो एनवायरमेंटल टॉपिक यू कैन रिलेट दिस टू जोग्रफी एज वेल एंड देट इज हरिकेन लॉरा एज वी ऑल नो तूफान है जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं एरिया स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं सो so उसको हम कहेंगे हरिकेन केन फॉर अमेरिकन कंट्रीज़ सो हरिकेन केन लॉरा हैज़ मेड लैंडफॉल इन साउथ वेस्टर्न लुइजियाना दैट इज़ द साउथ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स विथ विंड स्पीड रीचिंग अप टू टू फिफ्टी किलोमीटर एन आर डिस्क्रिप्शन क्या है सो हरिकेन केन इज़ अ कैटेगरी फोर स्ट्रॉन्ग वी विल डिस्कस द कैटेगरी इन द नेक्स्ट स्लाइड अ कैटेगरी फोर स्ट्रॉन्ग has wind speeds between 130 to 156 mile per hour see the here it is given in miles miles per hour and can uproot trees and bring down power lines the sephir-simpson hurricane wind scale so hurricanes are categorized on the sephir-simpson hurricane wind scale which rates them on a scale of 1 to 5 based on the wind speed hurricanes that reach category 3 or higher are classified as मेजर हरिकेन्स इट इज़ बिकॉज ऑफ देर पोटेंशियल टू कॉज डिवास्टेटिंग डेमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ रिसेंटली वी हैव सीन दट इन गुजरात इन मुंबई ओडिशा वेस्ट बेंगॉल बांग्लादेश तो ये सारे जो रीजन है वहाँ पे साल में मई से लेकर नवम्बर तक ऑलमोस्ट हमें तूफान देखने को मिलते रहते हैं राइट सो बट दिस हरिकन लोरा वी आर टॉकिंग अबाउट दी यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक स्टेट है दैट इज़ साउथ वेस्टर्न लुइजिया उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो दिस इज़ नॉट न्यू टॉपिक फॉर अस राइट एंड दिस इज दी हरिकेन विंड स्केल सेफिर सिमसन हरिकेन विंड स्केल जिसके बेसिस पे जो भी हरिकेन है उसको बाइफरगेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी इफेक्ट दैट इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म राइट सो वो कितनी इफेक्ट करेगा ऑन दी लाइफ ऑफ पीपल और ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया उसके हिसाब से ये पांच कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है यू कैन सिंपली गो थ्रू दैट इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन दी विंड स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर हरिकेन, राइट और देखिए ये एरिया के नाम से अलग अलग क्या हम कहेंगे तो देखिए अगर इंडिया में कुछ है तो वी विल कॉल इट साइक्लोन, राइट बट अगर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में कुछ है सो इट विल बी लाइक हरिकेन ओके okay, तो देखिए अगर यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कोई तूफान आ रहा है इन अटलान्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन तो दैट विल बी नोन एज हरिकेन्स इन इंडियन ओशन इफ इट इज़ समथिंग देन इट इज़ नोन एज साइक्लोन्स राइट और देखिए इंडिया को जो अफेक्ट कर रहा है वो मेजरली कौन से पीरियड है दैट इज़ अप्रैल टू डिसम्बर सो अप्रैल टू डिसम्बर में वी ऑफन इंडियन स्टेट्स और नेबरिंग कंट्रीज वी ऑफन फेस डिफरेंट काइंड ऑफ साइक्लोन्स राइट right? एंड यहाँ पे आपको एक होमवर्क ऑटोमेटिकली अब पता चलना चाहिए कि 2019 से लेकर 2020 तक जो भी साइक्लोन इंडिया ने या नेबरिंग कंट्रीज़ ने फेस किए हैं राइट तो वो आपको पता होने चाहिए क्या इफेक्ट किया क्या उसके लिए पैकेज दिया गया ऑल दोज डिटेल्स शुड बी नोन टू यू राइट चलिए Depending on where they occur, hurricanes may be called typhoons or cyclones. They are given many names in different regions of the world. So, this is the text information that is given for the earlier slide. You can easily go ahead and uh, note this on your own. Next topic is very important for exam point of view, and that is Export Preparedness Index 2020. And it is prepared and published by Niti Ayog. चलिए अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तो कोई स्टेट एक्सपोर्ट में कितना आगे है उसके नंबर्स जो दिखाएगा उसके परसेंटेज जो दिखाएगा और वो कहाँ पब्लिश होंगे वो पब्लिश होंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में सो so, रिसेंटली दी नीति आयोग इन पार्टनरशिप विथ दी Institute of Competitiveness. Two agencies are there. First is Niti Aayog in partnership with Institute of Competitiveness released the Export Preparedness Index that is shortly known as EPI Index 2020. Okay, and these are different kind of index uh, related to trade or logistics around the world, right? So you can go through this as well. Okay, or, yeah, this is ऑन द इंटरनेशनल लेवल तो इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं के पैरामीटर को फॉलो करके नीति आयोग ऑन इंडिया लेवल्स ताकि स्टेट के बीच में एक्सपोर्ट की जो कंपटीशन है वो बढ़ सके दिस इज प्रिपेयर ईपीआई 2020 क्या कहता है सो एम इज़ टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एनकरेज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट वन रैंकिंग पैरामीटर क्या होगा सो द इंडेक्स स्टेट्स ऑन फोर की पिलर्स और वो की पिलर्स कौन से होंगे तो पहला होगा पॉलिसी देन बिजनेस इको सिस्टम एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखिए स्टेट के पास एक्सपोर्ट के लिए क्या पॉलिसी है बिजनेस के साथ उसको कैसे लिंक किया गया है बिकॉज एक्सपोर्ट इज नॉट समथिंग दैट गवर्नमेंट विल परफॉर्म राइट पॉलिसी जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा लोग बिजनेस के लिए आगे आएंगे तो यू शुड हैव द स्टेट शुड हैव बिजनेस इको सिस्टम देन एक्सपोर्ट इको सिस्टम राइट एक्सपोर्ट कितनी ईजीली आप करवा सकते हो दैट इको सिस्टम शुड बी देर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस महीने दर महीने एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है एंड कितना कम हो रहा है ऑल दिस डिटेल्स विल बी कम अंडर दिस ओके स्क्रूटिनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट शुड बी देर सो ये चारों चार पिलर्स भी आपको याद रखने हैं दो आर मेजर्ड इन ई पी आई एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स पहली बात कर दें पॉलिसी की सो कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक डिरेक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स दैट शुड बी इन प्लेस दैट इज द फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट इज बिजनेस इको एंड एफिशियंट बिजनेस इको हेल्पिंग स्टेट्स attract investments and create an enabling infrastructure for individuals to initiate startups then next is export ecosystem assesses the business environment which is specific to exports and next is export performance this is the only output based parameter and examines the reach of export footprints of states and union territories right to export डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच रहा है दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज इवेलुएटेड अंडर ई पी सब पिलर्स कौन से है देर आर मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स ओके लॉजिस्टिक कैसा है रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है सी कनेक्टिविटी कैसी है राइट right, बिकॉज जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो वो हमेशा ही यहाँ पर आगे रहेंगे द इंडेक्स ऑल्सो टुक इन टूट कंसिडरेशन इलेवन सब पिलर्स दो हज़ार एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बिजनेस एन्वायमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एक्सेस टू फिनंस एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड सपोर्ट आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट डिवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ओरियंटेशन

रैंक वन इसमें हासिल किया है राइट वी हैव सेवरल मेजर पोर्ट्स इंटरनेशनल पोर्ट्स जहाँ से पूरे देश का कार्गो हैंडल होता है राइट एंड दैट्स वाई गुजरात हैज अचीव्ड रैंक वन विद द स्कोर ऑफ सेवेंटी फाइव पॉइंट टू देखिए और गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ इतना ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है गुजरात हैज़ टॉप दी ओवरऑल ई पी आई ट्वेंटी ट्वेंटी फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु Among the landlocked states, this is the other category. Rajasthan has topped the index, followed by Telangana and Haryana. Among the Himalayan states, Uttarakhand topped the index, followed by Tripura and Himachal Pradesh. Across the Union territories, Delhi has performed the best. Okay, so this is the most important topic for your upcoming XYZ examinations. Okay, Gujarat has. टॉप्ड दी ई 2020 followed by Maharashtra, Tamil Nadu, महाराष्ट्र तमिलनाडु राजस्थान एंड उड़ीसा और अगर सिर्फ आपको लैंड लैंड स्टेट्स के बारे में पूछा जाए जिसको कोस्टल एरियाज नहीं है तो वहाँ पे राजस्थान ने टॉप किया है हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड ने टॉप किया है एंड यूनियन टेरीटेज़ में डेली ने टॉप किया है यू कैन प्रिपेयर दर लिस्ट ऑन येट इज़ फॉर योर होमवर्क और ये कुछ चीजें चीज़ें हैं ट इज़ रिलेटेड टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स और क्योंकि ड्यू टू कोविड नाइन्टीन हमारे एक्सपोर्ट्स कुछ सेक्शन में बड़े हैं कुछ फील्ड्स में वो कम हुए हैं इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैवेंटी फाइव पॉइंट नाइन बिलियन यू एस डॉलर्स इन ट्वेंटी सिक्सटीन सेवेंटीन टू यू एस डॉलर थ्री थ्री वन बिलियन इन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी

जो पिछले लगभग तीस चालीस सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ है बट क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन सेविंग्स राइट तो वो आने वाले एक दो साल में रिकवर कर लेगी और इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया बट यू के जर्मनी फ्रांस इटली चाइना ऑल द इकोनॉमिक्स हैव कॉन्ट्रेक्टेड बट इंडिया पे उसका इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ है this consistent positive growth has been a result of key measures adopted by the government post 2016 for the promotion of merchandise export to so, 2016 mein hame kafi growth hota hua dikha okay aur zyada jo foreign currencies thi वो भी export जितना आपका बढ़ेगा उतनी ज़्यादा foreign currency आपके देश में आएगी तो वो 2016 के बाद वो आती हुई हमें देखिए अ मिड टर्म रिव्यू ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 वाज कंडक्टेड इन 2017 टू असेस द पॉलिसी इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड टू बूस्ट द एक्सपोर्ट लेवल अ न्यू लॉजिस्टिक डिवीजन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स टू ऑर्गेनाइज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर ओके एंड दीज आर सम एजेंसीज दैट डील विद एक्सपोर्ट फील्ड फॉर आवर कंट्री ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट वन न्यू सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ए ने सर्कल्स मीन्स डिविजन तो ए क्या काम करती है जो मॉन्यूमेंट्स है पुराने जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो स्मारक है इमारतें हैं बिल्डिंग्स हैं उनको सेव करने का उनको मेंटेन करने का, का काम कौन करेगा एएसआई करेगा और ए एस आई क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम के थ्रू काम करता है तो फॉर दर कन्वीनियंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए एस आई हैज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू सेवरल रीजियंस ओके और उसी में कुछ नए सात जितने नए रीजियंस एड किए गए हैं जिसको हम क्या कहेंगे सर्कल्स कहेंगे एंड दैट इज़ फॉर सोलली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज सो दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ए एस आई का जो भी डिपार्टमेंट है दैट इज दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ अनाउंसड सेवन न्यू सर्कल्स ऑफ द आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिस स्टेप हैज बीन टेकन इन टू अकॉर्डेंस विद द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू फेसिलिटेट एंड स्ट्रेंदन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्क्योलॉजिकल कौन से कौन से सात नए रीजियंस या सात नए सर्कल्स ऐड किए गए हैं सो जबलपुर सर्कल दैट इज़ इन मध्य प्रदेश स्टेट नेक्स्ट इज त्रिची सर्कल इन तमिलनाडु झांसी एंड मेरठ सर्कल इन उत्तर प्रदेश हम्पी फ्रॉम कर्नाटका रायगंज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड राजकोट सर्कल फ्रॉम गुजरात सो दिस सेवन सर्कल्स क्रिएटेड

दिज कैरी आउट आर्क्योलॉजिकल फील्ड वर्क रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड इम्प्लीमेंट दरियस प्रोविजन्स ऑफ द एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एट एंड एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू और आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजेंसीज ऑफ इंडिया ओके जो कि इंडिपेंडेंस से पहले एस्टाब्लिश की गई थी सो ए एस आई अंडर दिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्क्योलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन इट एडमिनिस्टर्स मोर देन थ्री सिक्स फाइव जीरो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स आर्क्योलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड कैरिंग आउट सर्वेज ऑफ एंटीक्वेरियन रिमेन्स एक्सप्लोरेशन and excavation of archaeological sites conservation and maintenance of protected monuments it was founded in 1861 by alexander cunningham the first director general of asi alexander cunningham is also known as the father of indian archaeology kafisari sites इन्होंने sites and that's why he is known as the father of indian archaeology okay तो दिस इज क्वाइट अ स्मॉल टॉपिक आपको जस्ट उनके जो सर्कल के नाम है वो आपको याद रखने हैं नेक्स्ट टॉपिक इज आईएनएस विराट सो दिस इज द अपडेट फ्रॉम अवर अर्लियर टॉपिक जो कि हमने 2019 में इस न्यूज़ को कवर किया था सो इंडियन नेवल शिप आईएनएस विराट विल बी स्क्रैप्ड एट अ शिप ब्रेकिंग यार्ड एट अलंग इन गुजरात सून तो आई एन एस विराट जो कि ऑलरेडी रिटायर हो गया था नेवी से उसको अब अलंग लाया जाएगा शिप ब्रेकिंग यार्ड में उसको तोड़ने के लिए द डिसीजन टू स्क्रैप आई एन एस विराट वॉज टेकन इन 2019 नाइनटीन एज आई से आई एन एस विराट होल्ड्स द गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप ऑफ दी वर्ल्ड वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस virat, a centaur class aircraft carrier weighing 27,000 tons, served in the british navy as hms homes for 25 years from november to 1959 to 1984. and then it was commissioned into indian navy because see, in earlier days, hamari planes so what we डिड इन पास्ट और इन रीसेंट ईयर्स अब तक भी ऐसा होता है कि रशिया या यू एस ए ने कोई यूज़ किए हुए जो इक्विपमेंट्स है या जहाज़ है शिप्स है वो कम प्राइस में हमें दे दिए जाते थे विद सम अपग्रेडेशन। इट वॉज़ कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन मे नाइनटीन एटी सेवन आफ्टर रिफर्बिशमेंट का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत नया बनाकर सेकेंड का सामान हमें दे दिया जाता था Right. The Centur class of aircraft carriers of the Royal Navy was the last of the light fleet carrier designs started during the closing years of World War II, 1939 to 45. Virat played a major role in Operation Jupiter in 1989. During Sri Lankan peacekeeping, peacekeeping operation, it also saw action during Operation Parakram in 2001-2002. Post the terrorist attack on Parliament. The indigenous advanced light helicopters Dhruv and Russian twin rotor kamov 31 have also operated from the sh ship. It was decommissioned in March 2017, and the Navy had been incurring expenditure since then on its up upkeep, such as the provision of electricity and water and repairs. It was also taking up space in the क्राउडेड नेवल डॉक यार्ड एंड नाव हमारी राइजिंग इकनॉमी में हम वी अलॉट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट टू अवर डिफेंस सेक्टर सो नाव वी आर इन अ पोजिशन दैट वी ऑर्डर द न्यू इक्विपमेंट्स न्यू शिप्स एंड न्यू एयर जेट्स लाइक एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ तो मैं राफेल राइट right? रफेल है एस फोर जीरो जीरो डिफेंस सिस्टम फ्राम रशिया है तो ये सारी चीज़ें अब हम अफोर्ड कर सकते हैं राइट चलिए तो या आई एस विराट को ब्रेक किया जाएगा इन दी अलंग शिप यार्ड और देखिए अलंग शिप यार्ड की खास, खासियत ये है कि दुनिया के लगभग नाइन्टी परसेंट या मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ दी जो शिप्स है वो एक बार उनका काम खत्म हो जाता है वो जब रिटायर हो जाता है अपनी सर्विस से तो उनको तोड़ने के लिए अलंग लाया जाता है राइट चलिए देर एर बीन डिमांड्स फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स टू नॉट लेट विराट गो अवे from of vikrant india's first carrier that was eventually scrapped in 2014 ins vikrant which played a role in 1971 war with pakistan was broken down in mumbai however several attempts by the navy to preserve the carrier by converting it into a museum or by other means failed

टॉपिक है दैट इज अगेन रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एन सी ए पी नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट द न्यू टॉपिक फॉर अस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में ट्वेंटी सेवेंटीन विल बी देश ईयर पॉल्यूटेंट से उसको ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट कम किया जाएगा टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये सारी चीज़ें हमें पता है तो पाँच साल का ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इन ट्वेंटी नाइनटीन

Now, what is NCAP? So, it was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in January 2019. It is the first ever effort in the country to frame a national framework for air quality management with a time-bound reduction target. It seeks to cut the concentration of coars. Or, what will be So, particulate materials. ओके जो पीएम है पार्टिकुलेट मटेरियल्स ऑफ डायामीटर ऑफ टेन माइक्रोमीटर और लेस एंड फाइन पार्टिकल्स विथ द डायामीटर ऑफ टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर और लेस विल बी रिड्यूस्ड बाय एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स विथ ट्वेंटी सेवेंटीन इज द बेस ईयर फॉर द कंपेरिजन द प्लान इंक्लूड वन जीरो शहरों को इसमें Consideration: mein jayega. The plan includes 102 non-attainment cities across 23 states and union territories, which were identified by the Central Pollution Control Board on the basis of their ambient air quality data between 2011 and 2015. Non-attainment cities: these are those that have fallen short of the national ambient air quality standards for over five years. तो ये नॉन अटेनमेंट सिटी जो हमारे मुंबई दिल्ली जो मेजर सिटीज़ है टायर वन टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज़ तो वहाँ पे पोल्यूशन की ज़्यादा समस्या रहेगी तो उनको यहाँ पे टारगेट में रखा गया है कि ऐसे सिटीज़ में टिल 2024 ट्वेंटी जो पार्टिकुलेट मटेरियल है जो कि पोल्यूशन फैला दें उनको बीस से तीस तक क्या करना है कम करना है एन जी टी का व्यू क्या है इसके ऊपर सो द एनफोर्समेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड पब्लिक ट्रस्ट रिक्वायर स्टर्न मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू गिव इफेक्ट टू द मैंडेट ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्वालिटी फॉर विच द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स वॉज इनेक्टेड तो ये दो चीज़ें भी इसमें ऐड की जाएगी ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल को लागू किया जाए और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्टर को मेंटेन किया जाए पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रेन क्या है इट स्टेट्स दैट सॉवरेन और स्टेट होल्ड्स द ट्रस्ट ऑफ पीपल टू मैनेज द डेजिग्नेटेड रिसोर्सिस फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल द राइट टू क्लीन एयर टू डी रिकोगनाइज एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड फेलियर टू एड्रेस एयर पॉल्यूशन इज अ डिनाइल ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन तो देखिए गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन अ क्लीन एयर और ये कहाँ कहा गया है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन में राइट टू लाइफ के अंदर ये चीज़ कही गई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड बट यहाँ पे दिस टॉपिक ये एक ऐसा टॉपिक है कि सिर्फ गवर्नमेंट के काम करने से या गवर्नमेंट के कुछ रूल बनाने से कुछ नहीं होगा दिस इज़ द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल अगर आप कहीं जा रहे हो सौ फुट अगर आपको दूर जाना है कहीं छोटी मोटी चीज़ लेने दूध का पैकेट लेने जाना है सो वॉट वी डू इन डेज गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिए बट वी डू नॉट थिंक दैट वी कैन यूज़ द ऑप्शनल रूट्स फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क ठीक है कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि दस किलोमीटर चल के जाइए या बीस किलोमीटर चल के जाइए बट जो काम ऐसे है जो आप पाँच मिनट या दस मिनट के वॉक से कर सकते हो सो वी नीड टू सिलेक्ट दैट एंड देट विल बी दीब्यूशन फ्रॉम अवर साइड्स टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ओके चलिए अब एन ने क्या डिरेक्शन दी है सो द टाइम लाइन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाई ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नीड्स टू बी रिड्यूज तो टाइम लाइन को रिड्यूस किया जाना चाहिए दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ एन जी टी द टारगेट ऑफ रिडक्शन नीड्स टू बी इंक्रीज तो so, ये ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट जो है उसको और ज़्यादा कर दिया जाना चाहिए लेट्स फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट इट्स सजेस्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री टू रिव्यू एंड एक्शन इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट टू ई व्हीकल्स एंड सी एन जी वहीकल्स इंटेंसीफाइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैकेनिकल क्लीनिंग ऑफ रोड्स एनहेंसमेंट ऑफ़ पब्लिक पार्किंग फैसिलिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन फ्यूअल क्वालिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों पर भी एनसीए के अंतर्गत हमें ध्यान देना पड़ेगा इट डिरेक्टेड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स टू एंश्योर इंस्टॉलेशन ऑफ द रिक्वेजेड नंबर ऑफ रियल टाइम ऑनलाइन कंटिन्यूस एमबीएट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम विद इन सिक्स मंथ्स इट आल्सो डायरेक्टेड एन एक्सपर्ट टू देंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू डिजाइन अ मॉडल फॉर सोर्स अपॉइंटमेंट एंड कैरियर कैपैसिटी असैसमेंट विद इन 2 मंथ्स which may be replicated for all the non-attainment cities source appointment hoga so it is a practice of deriving information about pollution sources and the amount they contribute to ambient air pollution levels the concept of carrying capacity addresses the question as to how many people can be permitted into any area without the risk of degrading the environment there तो ऐसे काफ़ी इको सेंसिटिव जोन होंगे तो आने वाले सालों में वहाँ पे जाने वाले जो लेट्स से टूरिस्ट तो टूरिस्ट की जो नंबर्स है उसको एक कैप लगा दी जाएगी कि कोई पर्टिकुलर एरिया में 2000 या 3000 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते एंड वाई टू मेंटेन दी डिग्निटी एनवायरमेंटली ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया राइट सो दैट विल बी नोन एज कैरिंग कैपेसिटी तो कैरिंग कैपेसिटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट एड किया जाना चाहिए इन अवर नेशनल क्लीनर प्रोग्राम दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ एन जी टी ओके चलिए एंड एन जी टी वॉज ऑलरेडी टॉच टू यू सो दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन राइट दिस इज नथिंग न्यू टू अस चलिए यू कैन स्टॉप दिस स्लाइड एंड गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेंटेंसेस टॉपिक्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे इन असम देखिए अब ये भी जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन राइट सो द आसाम गवर्नमेंट हैज इनोग्रेटेड अ 1.8 किलोमीटर रोप वे अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर और देखिए नदी के ऊपर 1.8 किलोमीटर का रोप वे बनाना इज नॉट एन ईजी टास्क सो नाउ इंडिया होल्ड दैट पोजिशन

सेवरल रोप वेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं, राइट तो गुवाहाटी में दिस रिवर रोप वे हो गया देन जम्मू एंड कश्मीर में है गुलमर्ग में 2.5 किलोमीटर का रोप वे उत्तराखंड में है फोर किलोमीटर का रोप वे एंड नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग में टू किलोमीटर का रोप वे ऑल दीज आर टूरिस्ट स्पॉट्स राइट तो वहाँ पे ये रोप वेज बनाए गए हैं और रोप वे के लिए क्या जो बेसिक सी चीज़ें हैं Uh, built at the cost of rupees 56 crore it extends from central to northern guwahati it takes 8 minutes to traverse the entire length of the ropeway it passes over the mid river peacock island that houses umananda a medieval shiva temple according to the government this is the one of the most advanced and log, longest river crossing aerial tramway systems in india aerial tram वेज आर पर्टिकुलरली वेल सीटेड इन एक्सट्रीम टावर्स कैन बी इरेक्टेड एट लार्जर इंटरवल्स तो जहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं जनरली वहाँ पे ऐसे ट्राम वेज बनाए जाते हैं नीड क्या थी इसकी सो थाउजेंीपल कम यूड एवरी डे बिटवीन दैपिटल सिटी गुवाहाटी एंड द टाउन ऑफ नॉर्थ गुवाहाटी वेर आई आई टी गुवाहाटी इज लोकेट अदर ट्रेवल ऑप्शन बिटवीन द टू बैंक्स आर बाई फेरी जो कि थर्टी मिनट्स का टाइम लेती थी और बाई रोड थ्रू अ ब्रिज दैट यूजअली टेक्स ओवर इन आवर इन द ट्राफिक तो वहाँ का ट्राफिक कम करने में थोड़ा यहाँ पर मदद मिलेगा राइट तो आसाम से रिलेटेड ये एक न्यूज़ थे तो ये हमें याद रखने हैं और अदर बेनिफिट्स क्या होंगे सो जो धीरे धीरे वहाँ पर टूरिस्ट आना भी स्टार्ट हो जाएगा राइट तो इकनॉमिक जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ेगी और इसकी वजह से जो लोकल इकोसिस्टम है लोकल फिनांशियल इकोसिस्टम है वो वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो उसके कुछ अदर बेनिफिट्स हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 सो so रिसेंटली 702 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रजिस्टर्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 2020 द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड पी एम्स अवार्ड पोर्टल इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी अवॉर्ड दिल बी कॉन्फर्ड बाई दाइमस्टर ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस दैट विल फॉलो थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी एट दूफ़ी गुजरात तो उस दिन ये अवार्ड दिए जाएंगे पी एम्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नाम से ही पता चल रहा है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने या जिस एजेंसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम किया होगा राइट right? जो डिस्ट्रिक्ट ने भी उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन टू टू थाउजेंड बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्नोलॉज रिकोगनाइज एंड रिवॉर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इनोवेटिव वर्क डन बाई डिस्ट्रिक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये कोई छोटा डिपार्टमेंट भी हो सकता है जिसने कोई इनोवेटिव काम किया हो तो उनको ये चीज़ दी जाएगी the award consists of a trophy scroll and an incentive of rupees 10 lakh ,00 to the awarded district or organization to be utilized for implementation of project or program or bridging resources gaps in any area of public welfare ठीक है अगर मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए कि आप जहाँ अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो right? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो आपका डिपार्टमेंट है पहले आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था अब उन्होंने सर्विस चालू कर दी है सारी ऑनलाइन कि भाई आप पेटीएम से पे कर सकते हो फोन पे से पे कर सकते हो एक्सवाइड ऑनलाइन यू कैन पे रिसिप्ट विल बी जनरेटेड ऑनलाइन और लेट्स से बिल्स आर बीइंग सेंट आउट ऑन मोबाइल डिवाइस और मेल आई सो ऑल दोज आर इनोवेटिव थिंग्स कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स थी उसको आपने सॉल्व कर दिया या उसको पब्लिक की लाइफ को आपने बेहतर बना दिया सो दैट विल कम अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड राइट रिस्ट्रक्चरिंग इसका किया गया था इसका अवार्ड का जिसको 2006 में कंस्टिट्यूट किया गया था इट वॉज अगेन रिस्ट्रक्चर्ड इन 2014 फोर्टीन आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट के द अवार्ड प्रोग्राम वॉज रिस्ट्रक्चर्ड इन ट्वेंटी फोरटीन फॉर रिकोगनाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन प्रायोरिटी प्रोग्राम्स इनोवेशन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कौन होंगे जिन्होंने यू या जी एग्ज़ाम्स पास की होगी आई या स्टेट सिविल सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे ठीक है जिनके ऊपर पूरा डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इट हैज़ बिन रिस्ट्रक्चर्ड अगेन इन 2020 ट्वेंटी टू रिकोगगनाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट थ्रू क्रेडिट फ्लो टू द प्रायोरिटी सेक्टर प्रमोटिंग पीपल्स मूवमेंट्स थ्रू स्वच्छ भारत मिशन इन द डिस्ट्रिक्ट

Revamped to reward the district having the best overall progress under the scheme following two years of implementation. Through restructuring, the scope of the awards has been expanded to identify areas of overall outcome oriented performance in the district across sectors. Right? So, this was your today's like easy easy topic we have covered, but the important ones. और जो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स थे विच वर इन न्यूज़ इन पास्ट डेज तो एक आपको गो थ्रू करना है फॉर योर होमवर्क दैट इज़ पुलिकल्ली फोक आर्ट ऑफ केरला एंड वॉट आर दी अदर आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम केरला राइट तो वो एक चीज़ आपको कवर करनी है नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने ड्यू टू अपनी हेल्थ अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है और देखिए जब से नई गवर्नमेंट आई है फ्रॉम 2014 जापान के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हमेशा से बेहतर हुए हैं जापान ने एट ईच एंड एवरी स्टेज इंडिया को सपोर्ट किया है और जापान क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहा है टू काउंटर चाइना राइट तो काफ़ी अच्छे रिलेशन थे एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो भी नया पीएम आएगा इट इज़ नॉट येट डिसाइडेड हु विल बी न्यू पीएम बट जो भी नया पीएम आएगा दैट विल कंटिन्यू टू डू सो राइट तो ये इसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ थे रिलेश इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया वो एक आपको गोथ्रू करना है एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव सेवेंटी एट न्यू रूट्स अंडर फोर्थ राउंड ऑफ कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक राइट right? ताकि जो एक कॉमन सिटीजन है देश का मिडिल क्लास आदमी भी जो है वो हवाई यात्रा कर सके और जो लोकल एयर एयर सेक्टर है हमारा एयरलाइन सेक्टर एविएशन सेक्टर उसको बढ़ावा मिल सके तो वो जो रूट्स है वो एक बार आपको गो थ्रू कर जाने हैं, राइट right? और उड़ान स्कीम के बारे में आपको एक बार रिविजन कर लेना है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक दिस इज़ जस्ट अ रिविजन फॉर यू Okay, let me know in case of any doubt. You can directly reach me to my mobile anytime, and we will address your queries. Stay home, stay safe. Thank you.